latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भले ही मुख्तार अंसारी जो बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े तमाम लोगों को पुलिस जो है वो छानबीन कर गिरफ्तार करती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि मुख्तार अंसारी के घर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है और बड़ी खबर ये है कि मुख्तार अंसारी के एक और गुर्गा जिनका नाम गणेश दत्त मिश्र है, गाजीपुर में अरेस्ट हो गए हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस ने मिश्र को गिरफ्तार किया है। चेक बाउंस मामले में गणेश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। गणेश दत्त मिश्र पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत रोजा स्थित मिश्र के पिता के नाम पर बने घर को जमीन दोष कर दिया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने 20,000 रुपए के दो बेल बॉन्ड प्रस्तुत करने पर उसको जमानत दे दिया था। बताते चले कि गणेश दत्त मिश्र पर अलग अलग मामलों में पहले भी एक्शन लिया जा चुका है। मिश्र की कुछ संपत्तियों को ध्वस्तीकरण कुछ प्रशासन ने जब्त किया है और यह कार्रवाई अलग अलग मामलों में हुई है। ईडी और सीबीआई जांच भी हो चुकी है। एसएसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि गणेश दत्त मिश्र मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के सदस्य हैं। फिलहाल मिश्र पर ईडी और सीबीआई की भी जांच पूरे में हुई है। उस पर कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल कोर्ट की ओर से एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। गौरतलब है कि यूपी सरकार मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि गणेश दत्त मिश्र कई जिलों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद मुख्तार अंसारी गैंग के दूसरे सदस्यों पर भी जल्द शिकंजा कस सकता है। गणेश के पकड़े जाने के बाद पूरे गाजीपुर में चर्चा का जो दौर है वो तेज हो गया है। बाकी जिस तरीके से गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है उस पर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।